अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। गंगा, दुर्गा चाची और अम्मा आ गए हैं। वो हमको लेने आए हैं। गंगा, हम जा रहे हैं। कोई नहीं है, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ पिताजी। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, जा जाकर पानी लेकर आ। जा जा। हाँ जी, अभी लाई। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। गंगा, बाबूजी सोने के व्यापारी, हम असफल हो। नहीं, आप असफल नहीं हुए हैं, आप ऐसा मत बोलिए। पास आओ, मत सोने का। अनिल, चल पापा को अस्पताल लेकर चलते हैं। आइए पिताजी, चलिए पिताजी। पिताजी, पिताजी, यजमान, अब अंतिम संस्कार का समय हो गया, उनको लेकर चला जाए। दादी, दादाजी को क्या हो गया? दादाजी उठ क्यों नहीं रहे? दादाजी को कहाँ लेके जाएंगे? अभी तुम्हारे दादाजी कभी वापस नहीं आएंगे। जाकर तुम्हारे दादाजी की आशीर्वाद ले ले। मम्मी, मम्मी संभालो अपने आप को। दादाजी आपकी बहुत याद आएगी। अरे क्या क्या कर रही हो? कहाँ कुछ कर रही हूँ। अरे इसी बात का तो रोना है कि हम दोनों कुछ कर ही नहीं रहे। मतलब पिताजी मरते समय माँ जी को क्या बताकर गए थे? सोने के मटके के बारे में। हाँ, तो अब वो सोने का मटका किसके पास होना चाहिए? किसके पास? हमारे 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 पास। दादाजी सोने के व्यापारी थे, तो इसका मतलब वो सोने का मटका। सोने का मटका इसी घर में है, राइट? हाँ, क्या? तो कब पूछोगे अपनी माँ से कि मटका कहाँ रखा है? अरे अभी तो थोड़ा सा। तुम नहीं पूछ सकते तो कोई बात नहीं, मैं जाकर। अरे सुन सुन सुन, हम पूछ लेंगे ना। देखो, अभी विशाखा अपने घर जा रही है, उसे चल के मिल लो थोड़ी देर, हम प्रॉमिस करते बाद में पूछ लेंगे, ठीक है? शुक्र है, कम से कम ये विशाखा नाम की प्रॉब्लम तो टली। मम्मी, हम बोल रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ, कुछ दिन बेटी के साथ भी तो रह लो। इस घर में तुम्हारे पिताजी हैं, उनकी यादें इस घर में हैं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे बेटा, अब तो हमारा कहीं मन भी नहीं करेगा। विशाखा, माँ हमारे साथ ही रहेगी। ठीक है भैया, मम्मी का ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना बेटा।
माँ आओ अंदर चलते, आ जाओ। अरे क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं माँ, रीना माँ के लिए जाओ गर्मा गर्म ना इलायची वाली चाय बना के लेकर। बस अभी लेकर। आओ माँ, माँ आओ ना। अरे माँ कभी तो सेवा का मौका दिया करो, बैठो ना। अरे माँ की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। और वैसे भी बेटा हूं ना मैं तुम्हारा, अगर मैंने तुम्हारी सेवा नहीं करी तुम तो चली जाओगी बेटी के पास में, क्यों? कोई भला अपनी बेटी पर बोझ बनता है क्या? अरे रीना, अरे लो चाय आ गई तुम्हारी, ये लीजिए। माँ आप पिताजी ने आपको कुछ बताया था ना? हाँ बताया था ना। अच्छा अब बताइए ना कहाँ है? यही है। मतलब यही इसी घर में। कहाँ पर? हर जगह। आप पहेलियां मत बुझाइए ना, बताइए कहाँ पर है। तेरे पिताजी इस घर में जाते हुए बोले थे कि इस घर में उनका हमेशा एक अंश रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से ये घर बनाया था। हाँ माँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन माँ मैं पूछ रहा था कि पिताजी ने वो मरने से पहले आपके कान में भी कुछ कहा था ना? कहा था ना। क्या? आप सब लोगों का ख्याल रखें। दादी मैं सबका ख्याल रखूंगी, आपका भी। अरे मैं तुम्हें बेडरूम में ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? साफ साफ क्यों नहीं पूछा अपनी माँ से? हाँ सोने के मटके के बारे में आराम से बात करो, पूछा तो था मैंने। क्या पूछा था? अब सिर्फ सोने का मटका ही नहीं प्रॉपर्टी के पेपर्स भी अपने नाम करवा लो, समझे? देखो रीना पिताजी को मरे कुछ ही समय हुआ है, बेचारी माँ अभी तक बेचारी। हाँ तुम अपनी माँ को जितना सीधा और बेचारी समझते हो ना उतनी वो है नहीं। और तुम्हें क्या लगता है वो सब कुछ आसानी से तुम्हारे नाम कर देगी? मतलब? अरे बुद्धू तुमने देखा नहीं वो कैसे खेल खेल रही है तुम्हारे साथ, कैसे अनजान बनकर तुम्हारे साथ कॉमेडी करके गई। अब सुनो अब तुम्हें क्या करना है, सोने का मटका और प्रॉपर्टी के पेपर सब अपने नाम करवाने हैं। जो भी करना है जल्दी करो वरना तुम्हारी ये जो बेचारी माँ है ना ये कहीं सब कुछ अपनी बेटी विशाखा और दामाद के नाम ना कर दे और हम दोनों हाथ मलते रह जाएंगे। अनिल बाबू कुछ नहीं लगता है कोई आया है, बाद में बात करते हैं। आओ, आओ। चलो। आंटी आप मेरी दादी को कैसे जानते हो? क्योंकि आपकी दादी कभी कभी हमारे एनजीओ आती है। अगली बार मैं भी आऊंगी। पक्का जी? आप जी नमस्ते। नमस्ते बहू, ये आरती है एनजीओ में काम करती है जो बूढ़े और बेसहारा लोगों को सहारा देता है, उन्हें छत और खाने को रोटी देता है। अच्छा तो बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग। आरती ये लो मेरी तरफ से छोटी सी मदद रख लो। ऐसे ही सब लुटा देगी तुम्हारी माँ और तुम देते रह जाओगे। जी सब आपको बहुत दुआएं देंगे, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। 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 दादी। हाँ बेटा। अगली बार आंटी के एनजीओ में मुझे भी लेके चलना। अच्छा लेके जाएंगे? हाँ दोनों मिलके जाएंगे। Thank you.
माँ जी? पानी नहीं है। हाँ माँ जी, पूरे घर में पानी नहीं है, टंकी में तो एक बूंद भी नहीं बचा। क्या? हाँ बहू, अनिल से कह के हमारे लिए एक बोतल पानी बाहर से मंगवा दो ना, दवाई खानी है। मंगवा दी थी माँ जी, पर आज अनिल इतना थक कर आए और आते ही सो गए। माँ जी, कल जब पानी आ जाएगा तो आप दवाई ले लीजिएगा। ठीक है बेटा। अरे माँ, कहाँ जा रही हो? आओ साथ में नाश्ता करते। अरे अरे माँ, आराम से बैठ के पियो ना। नाश्ता करेंगी आप? ये लीजिए। ये क्या है बहू? माँ वो प्रॉपर्टी के कागजात हैं, वो आपके साइन चाहिए थे। ये लीजिए माँ जी, साइन कर दीजिए। बेटा इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारे पिताजी को गए 40 दिन नहीं हुआ और तुम दोनों मेरे साथ इस तरह। अच्छा तो आपको साइन नहीं करना? मत कीजिए, कोई बात नहीं। बस माँ जी हमें ये बता दीजिए कि वो सोने का मटका कहाँ है। हे भगवान, कौन सा मटका, किसका मटका? अनजान बन रही हैं आप? बेवकूफ समझा है आपने हम दोनों को। अरे मेरी बात तो सुनो बहू। क्या सुनूं? हाँ क्या सुनूं? आपके ससुर जी, इनके पूज्य दादाजी, इनके पिताजी सब सुनार थे ना, सोने का काम था ना सबका। हाँ तो हमें पता है कि पिताजी मरते समय आपके कान में बता कर गए हैं कि वो सोने का मटका कहाँ है। पास आओ। मटका, सोने का मटका। तो जल्दी से हमें बता दीजिए कि कहाँ है वो मटका। अरे ऐसा कोई सोने का मटका नहीं था। तुम्हारे ससुर जी का दिमाग फिर गया था, वो कभी भी कुछ भी ऐसे बड़बड़ाते रहते थे और जो चीज है ये नहीं, उसके लिए तुम लोग मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हो बेटा। अभी तक तो आपके साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं। आपने मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है? अरे रीना आराम से। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जरा हाथ पैर चलाओ और ढूंढो वो मटका कहाँ है। मटका तो मैं ढूंढ कर आऊंगी। इंसान के अंदर की इंसानियत को खत्म कर देती है और उसके बाद उस इंसान को वो एक ऐसा जानवर बना देती है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी भी अपराध को वो अंजाम दे सकता है। आए दिन हम खबरों में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं जिसमें बच्चों ने घर
और प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के बाद अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, रास्ते में छोड़ देते हैं अकेले दर दर की ठोकरे खाने के लिए। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए घर और प्रॉपर्टी जन्म देने वाली माँ से ज्यादा मायने रखती। गंगा के लिए भी खतरे की स्थिति पैदा हो रही है, क्या वो दबाव में आकर अपने बेटे और बहू के नाम सारी संपत्ति कर देगी? और क्या है ये रहस्य सोने के मटके का, क्या वो सच था या वो केवल साधारण मिट्टी का मटका था? दादी हाँ। आज नव राजा वाली कहानी पूरी सुनाना। अच्छा, राजा के सारे पैसे खत्म हो गए थे, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन अभी भी उसके पास एक बहुत बड़ा महल था। राजा कंगाल हो गया और मर गया, लेकिन मरते मरते वो अपने बेटे जो वहाँ का राजकुमार था उसे वो बता गया कि वहाँ एक सोने का मटका है जो उसे ढूंढना है। दादी फिर वो सोने का मटका राजकुमार को मिल गया? नहीं, राजकुमार ने वो सोने का मटका हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर राजकुमार को लगा शायद वो सोने का मटका महल के अंदर ही छुपा होगा, इसलिए उसने वो महल पूरा तोड़ डाला, लेकिन उसे वो सोने का मटका कहीं नहीं मिला और इस तरह जो बचा हुआ महल था वो भी तबाह हो गया। फिर क्या हुआ? राजकुमार एक बाबा से मिला तो उस बाबा ने उसे कहा, अरे मूर्ख, वो सोने का मटका तो तेरे अंदर छुपा हुआ है, तू काम करेगा मेहनत करेगा तो वो सोना तेरे अंदर से ही मिल जाएगा, है ना बेटा? तो बेटा इस कहानी से तुमने क्या सीखा? लालच नहीं करना चाहिए, सोने का मटका मेहनत से मिलता है। बिल्कुल सही। रोशनी बेटा रात बहुत हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। ठीक है मामा, गुड नाइट दादी। माँ पूरा घर ढूंढ लिया हमने, कहीं नहीं मिला, बता दीजिए ना कहाँ रखा है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, मैंने बोला ना। क्या बोला आपने? हूँ तुम कुछ बोलोगे हमने? माँ आप प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए और मटका कहाँ रखा है बता दीजिए। देखिए वैसे बहुत परेशान हूँ मैं, धंधा चल नहीं रहा है, पैसे की बहुत जरूरत है मुझे। और माँ माँ देखिए ना, अरे माँ बाप के बाद में सब कुछ बच्चों का ही तो होता है, क्या फायदा है नाटक करके। बेटा सोने का मटका एक मिथक है, तुम्हारे पिताजी हमेशा उठपटांग बातें करते थे, सोच अगर सोने का मटका होगा इस घर में तो वो तुम दोनों को ही मिलेगा ना, मैं क्या अर्थी पे उठा कर लेके जाऊंगी? अरे हाँ अनिल भैया। विशाखा मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए माँ को तुम्हारे पास भेज देता हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे भैया हमें क्यों प्रॉब्लम होगी, हम तो चाहते हैं कि मम्मी मेरे साथ आके रहे। अच्छा भैया जब मम्मी वहाँ से निकले तो एक बार हमें कॉल कर दीजिएगा। जरूर बताएंगे, चलो रखते हैं। ठीक है भैया। अनिल मैं फिर से कह रही हूँ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो माँ जी को वहाँ भेजकर। अरे अगर माँ जी ने सब कुछ विशाखा को दे दिया तो दे देने दो, हमें नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें। हम मुझे सिर्फ इतना पता मैं अपनी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकता हूँ, बहुत बेइज्जती कर ली मैंने उनकी। देखो रीना इतना लालच अच्छा नहीं है, हमें जो मिलना होगा ना मिल जाएगा। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, अब इस सोने के मटके के बारे में और इस प्रॉपर्टी के बारे में तुम मुझसे बात नहीं करोगी। अनिल ये सब मैं अपने बस। चलो माँ चलो। माँ
हाँ मम्मी, निकल गई आप? हाँ हाँ, मैं निकल चुकी हूँ। 1 बजे की बस है और 4-4:30 बजे तक पहुँच जाऊंगी। ठीक है मम्मी, हम बस स्टॉप पे लेने आ जाएंगे। ठीक है बेटा। माँ, ठीक सामने है बस स्टॉप। अच्छा बेटा, चली जाऊंगी, पहली बार थोड़ी ना जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। जबी दादी बुआ जी के घर जा ही रही थी तो मुझे बता देते, मेरे को कहानियाँ कौन सुनाएगा? कहानी आपको आपके पापा सुना देंगे। पापा को कहानियाँ सुनाना नहीं आ रहा। अच्छा, चलो खाओ। हाँ विशाखा, बोलो। अनिल भैया, हम यहाँ 3 घंटे से बस स्टॉप पे खड़े, मम्मी किसी भी बस में नहीं थी। क्या? अरे मैंने उन्हें सुबह खुद ड्रॉप किया बस स्टैंड पर। भैया पर मम्मी यहाँ नहीं पहुँची। देखो भैया, जब मम्मी वहाँ से निकल रही थी तो उन्होंने मुझे फोन लगाया था और उनकी आवाज से लग रहा था कि वो खुश नहीं है। सच सच बताओ, घर पे कुछ हुआ था क्या? क्या 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 बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ पर। तो भैया मम्मी कहाँ गई? अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, कल सुबह तक आपके घर पहुँच जाएंगे। अरे बताओ भी हुआ क्या? अभी तक विशाखा के घर नहीं पहुँची है। क्या? हे भगवान, अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो सब हम ही को ब्लेम करेंगे। अनिल, मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन कैसे, क्या बोलेंगे वहाँ पर? अगर वो पहुँची नहीं है तो? पापा, अभी तक दादी बुआ जी के घर नहीं पहुँची, दादी ठीक तो है ना? हाँ बेटा, दादी को कुछ नहीं हुआ है, दादी जल्दी आ जाएंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं कि आपने अपनी माँ को यहाँ ड्रॉप किया था पुणे जाने के लिए और वो पुणे पहुँची नहीं? जी सर। आपने अपनी माँ को बस में चढ़ते हुए देखा था? नहीं सर, मैंने उनको यहीं पे ड्रॉप किया था क्योंकि बस स्टॉप बिल्कुल सामने है सर, 2 मिनट की दूरी पर। सर मेरी मम्मी मिल तो जाएगी ना? इंक्वायरी करते हैं, फिलहाल तो ये देखना है कि वो पुणे पहुँची भी हैं या उनके साथ यहीं कोई हादसा हो गया। प्लीज ऐसा मत बोलिए सर, प्लीज ऐसा मत बोलिए, प्लीज हमारी मम्मी को ढूंढ दीजिए प्लीज। आपके परिवार में किसी के साथ कोई दुश्मनी है? नहीं सर, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं सर, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अविदा, इनकी माँ का फोन नंबर लीजिए। ओके सर। 98। ठीक है, आप लोग जाइए, कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं बताता हूँ। इस मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रेस करो। ओके सर। और सारे चेक पोस्ट को अलर्ट कर दो। और हाँ, इनकी माँ की फोटोज सब जगह भेजो। बुआ जी दादी कहाँ है? बेटा अपने पापा से पूछो, यही छोड़ने गए थे। बस करो विशाखा, बच्चे के सामने तो जहर मत उगलो। अगर तुम्हारे भैया छोड़ने गए थे तो क्या इन्हें ब्लेम करोगी? ये मत भूलो, जैसे वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे भैया की भी माँ है। बस भाभी, चिल्लाकर बोलने से आपकी गलतियाँ कम नहीं हो जाएंगी। अरे कैसी गलतियाँ? हाँ बोलो, जब से आई हो सुनाई जा रही हो, अब यहाँ माँ जी को ढूंढेगी तुम्हारे ताने सुने। सुनो, तुम एक काम करो, प्लीज यहाँ से चली जाओ। देखो विशाखा, तुम चाहे जो सोचना है सोच लो, लेकिन सच ये है कि मैंने उस दिन माँ को बस स्टॉप पे छोड़ा था। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि माँ कहाँ पर होगी, अभी किस हाल में होगी माँ। हम अपने घर जा रहे हैं, क्या पता मम्मी वहीं पे पहुंचे, हो सकता है कि मम्मी इस घर में आना ही नहीं चाहती हो। क्या जरूरत थी उससे ऐसे बात करने की? ये समय नहीं है एक दूसरे से झगड़ने का, हमें माँ के बारे में सोचना। और तुम, हाँ, तुम भी मेरी ही गलती निकालो, वो तुम पर उंगली उठा रही थी इसलिए मैंने ये सब कहा, कोई नहीं समझता मुझे।
पापा पापा दादी कहाँ है? मेरे को दादी के पास जाना, मेरे को दादी की बहुत याद आ रही है पापा। बेटा ऐसे शान नहीं होते, दादी ना बहुत जल्दी आ जाएंगी। ये आपकी माँ का मोबाइल है, हमें हाईवे के पास से एक पुल पे मिला। आप घबराइए मत, हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। अनिल, अनिल, माँ ठीक होगी ना? मिल जाएगी ना हमें? रीना संभालो अपने आप को। अच्छा अनिल, ये देखिए सीसीटीवी फुटेज है, ये नाके के ऊपर से आपकी कार निकली। आप और आपकी माँ दोनों बैठे हुए हैं जी। बस स्टॉप से आधा किलोमीटर पहले की सीसीटीवी फुटेज है, और उसके बाद कोई सीसीटीवी है ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हमारी माँ को ढूंढ दीजिए, प्लीज। आप हौसला रखिए, घबराइए मत, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। टेक केयर जी। हेलो विशाखा। हाँ अनिल भैया। अभी पुलिस घर पे आई थी, उन्हें माँ का मोबाइल मिला है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कुछ भी हो सकता है, कहीं हम माँ को खो तो नहीं देंगे। अनिल भैया ऐसा मत बोलिए, हिम्मत रखिए भैया, हम बोल रहे हैं ना, मम्मी मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी, प्लीज आप रोइए मत। कहाँ चली गई आप? कहाँ चली गई आप? खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी। कोई तो था जो गंगा को बंधक बनाकर रखा था, वो ऐसा क्यों कर रहा था? कौन था वो? क्या गंगा इस चक्रव्यूह से जिंदा बच पाएगी? आइए देखते हैं। कहाँ है सोने का मटका? मुझे नहीं पता, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं मर जाऊंगी। मर जाएगी लेकिन बताएगी नहीं। हाँ तो मर। ठीक सामने है बस स्टॉप। रोशनी को चोट लग गई है, वो आपका नाम ले लेके रो रही है। चलिए जल्दी चलिए, मैं सब बताती हूँ। मैं अरे बहू क्या हुआ रोशनी को, बताती क्यों नहीं हो? भैया जरा जल्दी चलाइए ना। चलाओ ना भैया। तो जब तक सोने का मटका और ये घर की प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं हो जाती, यही घुटती रहेगी तू, समझी? नहीं बताएगी ना, नहीं बताएगी ना, जब तक मुंह नहीं खोलेगी ना तब तक यही सड़ती रहे। आ गई, कैसी रही एग्जाम? अच्छी। देख चलो। जी नमस्ते, मैं अम्मा जी से मिलने के लिए आई थी। वो घर पर नहीं है, कहीं बाहर गई है। और उनका फोन भी बहुत दिनों से नहीं लग रहा है, कब तक आएंगी? देखिए हमें नहीं पता, और जब आएगी तो आपको कॉल कर देगी। कहाँ कहाँ से चले आते हैं? आजा बेटा। सुनिए
आप वो एनजीओ वाली लेडी है ना जो माँ से मिलने आया करती थी? जी जी, अम्मा जी से मिलने के लिए आई थी। एक महीने से मांग रहा है, पुलिस वाले तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हम लोगों ने सारी उम्मीद छोड़ दी है, पता नहीं अब। हो गया माँ और बेटे का मिलन, है ना? माँ के साथ में तेरी हिम्मत कैसे हुई? अनिल, छोड़ मुझे। वहीं खड़े रहो तो तुम्हें जान से मार दूंगी। उसके बाद को भी जहर दे दूंगी और खुद भी मां से लेके लटक जाऊंगी। अच्छा नीना, हम आराम से बात करते, इसे साइड पे रख दो। पहले तुम मेरी बात सुनो। मैं सुनूंगा तुम्हारी बात, इसे साइड पे रखो। बिना लड़ाई झगड़े के? पक्का? हाँ पक्का। अनिल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब सिर्फ मैं अपने लिए कर रही हूँ? जरा सोचो अनिल, जब हमारी बच्ची कॉलेज जाएगी या विदेश पढ़ाई करना चाहेगी तो क्या हम उसे भेज पाएंगे? रीना, ये मेरी माँ है। अनिल, सच्चाई यही है कि तुम एक हारे हुए इंसान हो जो अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अनिल, हमारे पास ये मौका है और बस मैं तुम्हारी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरा विश्वास करो अनिल, सोने का मटका कोई भ्रम नहीं, सोने का मटका है और तुम्हारी माँ को पता है वो कहाँ है। एक बार ये हमें बता देगी ना कि वो मटका कहाँ है, हम सबकी जिंदगी सवर जाएगी, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्लीज प्लीज तब तक मुझे मेरे तरीके से काम करने दो। हमें सब कुछ मिल जाएगा अनिल, सब कुछ। पर माँ को ऐसे कब तक रहना पड़ेगा? जब तक हमें माँ जी बता नहीं देती कि वो सोने का मटका कहाँ है, उसके बाद तुम चाहे कितनी भी सेवा करो ना इनकी, मैं भी इनकी सेवा करूंगी। लेकिन तब तक प्लीज अनिल, प्लीज चुप रहो और मुझे मेरे तरीके से काम करने दो। मां, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर दो और सोने का मटका कहाँ रखा है बता दो प्लीज। नहीं पता मुझे कहाँ है, नहीं पता कहाँ पे। तो अब तो बेटा भी मेरे साइड हो गया, तो चलो अब जल्दी से बता दो कि वो सोने का मटका कहाँ है। नहीं पता। ठीक है, अब पता चलेगा। पूछ रही हूँ, बता दीजिए कहाँ है सोने का मटका। नहीं पता मुझे। किसी भी अपराध का जिम्मेदार केवल अपराधी नहीं होता, वो भी होता है जो ये अपराध होने देता है। शर्म की बात है, अपनी माँ के लिए अनिल आंसू बहाता रहा, उसे ढूंढने के लिए वो बेकरार रहा, लेकिन जब उसे उसकी माँ मिली, उसकी पत्नी की सच्चाई पता चली, एक बार फिर उसके बाद भी दोबारा
वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा। रीना के दिमाग में लालच का बीज अब पेड़ बन चुका था। उसकी बातें इतनी प्रभावशाली थी कि सोने के मटके की लालच देकर एक बार फिर उसने अनिल को अपने वश में कर लिया। आगे चलकर क्या होने वाला था? क्या सोने के मटके का ये राज सबके सामने खुलने वाला था या फिर गंगा के साथ कुछ बुरा होने वाला था? लो, भर लो अपना पेट, लेकिन बाहर तब तक नहीं जा पाओगी जब तक अपना मुंह नहीं खोल देती। आपको बहुत मिस किया दादी। ठीक है दादी, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। चलो स्कूल बैग रेडी। रोशनी, रोशनी बेटा क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? परेशान लग रही हो। क्योंकि मैं परेशान हूँ। क्या हुआ, मामा को नहीं बताओगी? नहीं बता सकती, मैंने किसी से प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस? अच्छा चलो, स्कूल बस आ गई, लेट हो जाएगा। चलो बच्चा। माँ, माँ कर दो ना साइन इस पर, लो ना, कर दो ना साइन। नहीं कर सकती बेटा, बहू ने मेरी क्या हालत कर दी है, मेरा अंगूठा, अंगूठे का नाखून तोड़ दिया, मैं नहीं कर सकती। मैं जब अच्छी हो जाऊंगी तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ साइन कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं कर सकती। नहीं करोगी साइन? हाँ? नहीं करोगी? नहीं करोगी साइन? सोने का मटका? नहीं पता। अगर सोने का मटका नहीं तो तेरी भी जरूरत नहीं, समझे? बता दे मुझे कहाँ है मटका? नहीं पता। उस तरफ। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ? क्या बात है? रोशनी बेटा, तुम ठीक हो ना? उस तरफ आए। मैं विशाखा के घर जाने वाली थी तब अनिल ने मुझे बस स्टैंड पे छोड़ा था। तभी वहां रीना रिक्शा लेकर आ गई। रीना ने बोला रोशनी को बहुत बड़ी चोट लगी है। मैं बहुत घबरा गई, डर के मारे
मैं उस रिक्शा में बैठ गई। रीना ने एक रुमाल निकाल कर मेरे नाक से रख दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तब मैंने अपने आप को स्टोर रूम में पाया। मैं एक महीने से ज्यादा उस स्टोर रूम में बंद थी। ये लोग मुझसे मेरा घर, प्रॉपर्टी और सोने का मटका चाहते थे। सोने का मटका? अंकल, सोने का मटका तो कुछ नहीं होता, सोने का मटका तो मेहनत करने से मिलता है। बहुत नाटक किया तुम दोनों ने, झूठी रिपोर्ट तक लिखवाई। अब जब सरकारी मेहमान बनोगे ना तो अकल ठिकाने आएगी। ले चलो इन्हें। मेरी बच्ची, माजी हमें माफ कर दीजिए। रोशनी बेटा, मेरे बच्चे हार्दिक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी पोती का गई है। आंटी आंटी, आप एनजीओ वाली आंटी हो ना? हाँ बेटा। मेरे मम्मी पापा ने ना दादू को बंद करके रखा है, प्लीज आप बचा लो ना। दादी, ये तो सच में सोने का मटका है। ये सोने का मटका मैं उन बुजुर्गों को देना चाहती हूँ जिन्हें उनके बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया। मेरा बेटा और बहू तो इसके लायक नहीं। इसे पाने के लिए उन्होंने मुझ पर बहुत अत्याचार किए, लेकिन मैंने इसे उनके हाथ लगने नहीं दिया। ठीक है, आप इसे अपने हाथों से एनजीओ के सभी मेंबर्स के सामने दीजिएगा। सरकार को इसका टैक्स देने के बाद ही आप इसे दान दे सकती हैं। ठीक है, शायद ये सोना उन बुजुर्गों की जिंदगी में थोड़ी सी चमक जरूर लाएगा। गंगा का संघर्ष, उसकी लड़ाई एक मिसाल पेश करती है। गंगा ने हर प्रकार के जुल्म सहे, लेकिन अपने बेटे और बहू को ये कभी पता नहीं लगने दिया कि घर में सच में सोने का मटका है। और अंततः गंगा ने उस मटके का बिल्कुल सही उपयोग किया। गंगा एक समझदार और स्वाभिमानी महिला थी। वो जानती थी कि उसका बेटा और बहू सिर्फ उसके संपत्ति के पीछे है। वो ये भी जानती थी कि अगर जीते जी वो अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे और बहू के नाम कर देगी तो उसका अंत बहुत ही खराब होगा। पैसों की जरूरत हर किसी को होती है, लेकिन लालच में आकर इंसान कुछ ऐसा काम कर जाता है जिसका पछतावा जिंदगी भर का हो जाता है। बच्चों के लिए माता पिता ही सब कुछ है। हमारा असली धन तो हमारे माता पिता है, इसलिए अपने माता पिता का बिल्कुल वैसा ही ख्याल रखें जैसे उन्होंने पाल पोस कर हमें बड़ा किया। आप अपने माँ बाप का जरूर ख्याल रखें, उनका सहारा बने। इसी विचार के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।